हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए सनफ्लावर लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये दो रंग का धागा लिया है। सबसे पहले हम लाल वाले धागे से बनाएंगे। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग लगाएंगे उंगली में। ये देखिए, एक्स बना लेंगे। उसके बाद हम नीचे से धागा निकालेंगे और यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेंगे, ये तीन चैन एक डबल क्रोशे गिनेंगे, फिर इसके बाद हम डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे हमें इसमें टोटल 12 डबल क्रोशे चाहिए। एक जो हमने तीन चैन ली थी उसको डबल क्रोशे गिनेंगे और चार और आगे हम 11 डबल क्रोशे और बुनेंगे इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आते हैं एक लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। इस धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए, हमने 12 डबल क्रोशे ले लिए पूरे। काउंट कर लेंगे हम इनको। अब इस धागे को इस तरह से पकड़ करके टाइट खींचेंगे। इसको जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट कर लेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने शुरू में तीन चेन ली थी, इस वाले में इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। धागे को छुपाते हुए हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, एक चेन लेकर इस धागे को हम काट देंगे यहाँ से। इस धागे को हम इस तरह से कट कर देंगे। इसको इस तरह खींच के पक्का कर देंगे। अब हमें यहाँ पे येलो वाला धागा लेना है। इस येलो वाले धागे को हम जहां पे हमने ये से जोड़ा था वहीं पे नीचे वाले चैन में से इस तरह से हम पीले धागे को निकाल कर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेंगे। अब इसी चैन में से हमें तीन हाफ डबल क्रोशे बुनने। ये देखिए इस तरह से हम तीन हाफ डबल क्रोशे बुन लेंगे। अब हम इन सबको एक साथ बुन देंगे। देखिए, एक चैन लेंगे, फिर अगली वाली चैन में इसे अगली वाली चैन में यहाँ पे तीन हाफ डबल क्रोशे लेंगे इस तरह से। अब फिर इन तीन को एक साथ बुन देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर से तीन हाफ डबल क्रोशे लेंगे। हर एक चैन में इसी तरह से हमें तीन हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं और फिर उन तीन को एक साथ बुन देना है। ये देखिए, एक दो तीन हो गए। इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। एक चैन लेंगे, फिर से अगले वाली चैन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे लेंगे तीन। ये देखिए, तीन हाफ डबल क्रोशे के बाद फिर इसको एक साथ बुन देंगे। हम इसी पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में तीन हाफ डबल क्रोशे बुनते हुए फिर तीनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। इस पूरी लाइन को हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये देखें, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इस तीसरे वाली चैन में इस तरह से इसको जोड़ देंगे। जो शुरू में हमने तीन चैन ली थी इस टॉप वाली में हम इसको जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे लाल वाला धागा लेंगे इस तरह से, इसको इस तरह निकालेंगे और पीले वाले धागे को टाइट से खींचेंगे। देखिए,
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जहां से हमने ये जोड़ा है यहाँ से देखिए इस तरह से निकालते हुए हम एक चेन बुनेंगे, सिंगल क्रोशे बुनेंगे इसमें। अब नेक्स्ट वाले में इस लाल धागे को छुपाते हुए हम इस तरह से दो सिंगल क्रोशे बुनेंगे, एक दो। दो सिंगल क्रोशे बुनने के बाद हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, हम तीन भी ले सकते हैं चार भी ले सकते हैं, मैं आपको दोनों तरह से दिखाऊंगी। और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से, ये देखिए। फिर हम इसी में से देखो आप जहां से हमने दो सिंगल क्रोशे बुने थे वहीं से हम दो सिंगल क्रोशे और बुनेंगे इसी तरह से। अब हमें ये जहाँ पे ये येलो वाली चेन ली थी हमने पहले जब यहाँ से बुना था, यहाँ पे हम दो सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर से हम यहाँ पे पहले वाले में तीन चैन दिखाई थी, इसमें मैं चार चैन लूंगी इस तरह से। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, तीन से भी और चार से भी। इसको ये दो फंदों में इस यहाँ पे हम इस तरह से अटैच कर देंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। फिर हम इसमें दो सिंगल क्रोशे बुनने यहीं से, ये देखिए। फिर अगले वाले में इसी तरह से दो सिंगल क्रोशे बुनेंगे, फिर हम यहाँ पे चार चैन लेंगे, फिर इनको ये दो फंदे हमें दिख रहे हैं सामने वाले, इन दो में हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे। फिर दो चैन लेंगे, एक दो, इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती तो एक लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, अब हमने जहाँ से रेड वाला धागा शुरू किया था वहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे लिया था, तो अब यहाँ पे हम दो सिंगल क्रोशे लेंगे और चार चैन लेंगे। फिर इसी तरह से हम जोड़ेंगे जैसे हमने बाकी सबको जोड़ा था, ये देखिए। अब एक सिंगल क्रोशे और बुनेंगे हम यहाँ पे, और ये जहाँ से हमने पहली चैन ली थी वहीं पे हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे, ये देखिए बहुत खूबसूरत बनकर तैयार है। वीडियो को एक लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।